CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम। कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम चाचा की बात। इस कार्यक्रम में इन शब्दों के बारे में बताया गया है, प्रशंसा, निंदा, होड़। आलेख यूसुफ पापा का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। बच्चों नमस्ते। जानते हो बच्चों, ये सब लोग यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? क्या बात है, इस गांव का एक बालक श्यामू पूरे जिले में अव्वल आया है। 8वीं कक्षा का इम्तिहान दिया था, सब लोग उसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। कितना अच्छा बालक है, इम्तिहान में पहले नंबर पर आया है। भाई तुम लोग भी तो चाहते होगे कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, चाहते हो ना? तो भाई तुम सब भी खूब अच्छे बनो, रोज समय से स्कूल जाओ, मन लगा कर पढ़ो, सबसे ठीक से बोलो, बात करो, दूसरों की मदद करो, बस बन जाओगे अच्छे बच्चे। और भाई जब अच्छे बच्चे बनोगे तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। अब भाई तुम्हारे स्कूल में कोई आएगा तो यही कहेगा, वाह 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 वाह, कितने अच्छे बच्चे हैं, इन्हें तो सब पढ़ना आता है, ये तो किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं है, गुरुजी का आदर करते हैं, बड़ों को नमस्कार करते हैं, बस यही सब तो प्रशंसा में कहा जाता है। होगी प्रशंसा जो करोगे काम अच्छे, होगी प्रशंसा जो करोगे काम अच्छे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, होगी प्रशंसा जो करोगे काम अच्छे, होगी प्रशंसा जो करोगे काम अच्छे। कमरों की तुम सब सफाई करो, याद मिलकर इकाई दहाई करो, मिलके कमरों की तुम सब सफाई करो, याद मिलकर इकाई दहाई, जहाँ पर भी तुम जाओ कहलाओ सच्चे, जहाँ पर भी तुम जाओ कहलाओ सच्चे, मेरे प्यारे करोगे काम अच्छे। अब देखो एक लड़का स्कूल से गायब रहता है, गंदा रहता है, लिखता है तो मुंह में, हाथ में, कपड़ों में स्याही पोत लेता है, हर एक से लड़ता झगड़ता रहता है, तो क्या उसकी प्रशंसा करोगे? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसे बच्चों की तो सब निंदा ही करेंगे। तो निंदा कैसा काम करने से हुई? हाँ हाँ भाई, खराब काम करने से। अच्छा भाई अब तुम ये बताओ
कि तुम सब लोग क्या चाहते हो, निंदा या प्रशंसा? प्रशंसा? अरे वाह भाई वाह। हाँ हाँ भाई, निंदा कौन चाहेगा। सबको प्रेम से गले लगाओ, सबको प्रेम से गले लगाओ, सबको प्रेम से गले लगाओ, सबको प्रेम से गले लगाओ। प्यारे बच्चों, इस गीत के बाद हम तुम्हें कुछ प्यारे प्यारे बच्चों की बात बता रहे हैं। बच्चों, एक बार हम एक स्कूल में गए, वहां दूसरी कक्षा के बच्चे शब्द कार्डों से खेल रहे थे। हमने सोचा देखें तो सही कि इन बच्चों को शब्द कार्ड पढ़ने भी आते हैं या नहीं। बस हमने पूरी कक्षा को दो भागों में बांट दिया। कक्षा के आधे बच्चे एक तरफ और आधे बच्चे दूसरी तरफ। अब हम एक एक शब्द कार्ड उठाते और बच्चों से पूछते, इसमें क्या लिखा है। एक बार एक तरफ बैठे बच्चे बताते और एक बार दूसरी तरफ बैठे बच्चे। दोनों तरफ बैठे बच्चों में होड़ लगी थी, भाई कौन सही और जल्दी बताता है। अब दोनों ही टीमें इस खेल में जीतना चाहती थी, बस इसीलिए तो होड़ लगी थी उनमें। इसी होड़ में हमने देखा कि बच्चे सारे शब्द कार्ड पढ़ गए और हम देखते ही रह गए। भाई हमारे सारे शब्द कार्ड खत्म हो गए, पर बच्चों को तो इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। बच्चों, तुम भी अपने गुरुजी से कहना कि तुम्हें कक्षा में ऐसे खेल खिलाएं और तुम भी होड़ लगाना पहले बताने के लिए। लगाओगे ना होड़? एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, होड़ लगाना और होड़ होड़ में सारा काम कर जाना है तो अच्छी बात, पर ये होड़ हमेशा अच्छे कामों के लिए ही लगाना, किसी को तंग करने के लिए नहीं। हाँ, अगर तुमने किसी को तंग करने में कुछ बुरे बच्चों से होड़ लगाई तो भाई बड़ी निंदा होगी, सब तुम्हें बुरा कहेंगे। और अगर तुमने अच्छे काम किए, किसी की मदद की, तो सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। तो ठीक से बोलो, ना सिर को हिलाओ ना जेब टटोलो। कोई प्रश्न पूछे तो ठीक से बोलो, ना सिर को हिलाओ ना जेब टटोलो। करो तुम ना बिल्कुल अगर से मगर से, करो तुम ना बिल्कुल अगर से मगर से। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, होगी प्रशंसा जो करोगे काम अच्छे। कुछ दिन पहले की बात है, कहीं एक बुढ़िया दलदल में फंस गई। अब बेचारी एक तो बुढ़ापे की वजह से पहले ही ठीक से चल नहीं पा रही थी,
दलदल में पैर जो पड़ा तो बस उसमें से निकलना मुश्किल हो गया। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे मेरी कोई सुनो, अरे भाई मुझे कोई बचाओ। सुबह का समय था, बच्चों की एक टोली वहीं पास से होकर स्कूल जा रही थी। बुढ़िया की आवाज सुनकर बच्चे वहां रुके। बुढ़िया ने मदद के लिए फिर पुकारा, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे बच्चों मुझे बचाओ। पर कोई भी बच्चा कीचड़ में जाकर फंसना नहीं चाहता था। वे थोड़ी देर वहां रुके। बुढ़िया को कीचड़ में फंसी देखकर कुछ को मजा भी आया और फिर वो हंसते हुए अपने स्कूल की तरफ चले गए। पर एक बच्चा वहीं खड़ा रहा। वो सोच रहा था कि बुढ़िया को कीचड़ में से कैसे निकाला जाए। उसे एक तरकीब सूझी। वो भागा भागा अपने घर गया, एक बड़ा सा डंडा उठाकर लाया। डंडा उसने बुढ़िया की तरफ बढ़ाया। बुढ़िया ने उसका एक सिरा पकड़ा और बच्चा दूसरे सिरे को पकड़े हुए आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे कदम रखती हुई आखिर बुढ़िया कीचड़ से बाहर आ ही गई। बाहर निकलकर बुढ़िया ने बच्चे की पीठ थपथपाई, भाई अब तो रास्ते में जो भी मिलता उसी से उस बच्चे की तारीफ करती। कितना अच्छा बच्चा है, इसके सारे साथी भाग गए पर इसी ने मेरी मदद की। तारीफ करने को प्रशंसा कहते हैं और किसी की बुराई करने को निंदा कहते हैं। आपस में मुकाबला करने को होड़ कहते हैं। और हम अब चलते हैं। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।